नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। नमस्कार, मैं राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। नववर्ष के अवसर पर अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए होटल में छापामारी किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर सेना थाना क्षेत्र के बक्सीडी पर स्थित संगम होटल में अंचलाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार के नेतृत्व में थाना प्रभारी सूरज प्रसाद ने शस्त्र बल के सहयोग से शुक्रवार रात लगभग 10 बजे अवैध शराब बिक्री की सूचना पर छापामारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त करते हुए होटल कर्मचारी शशि कुमार को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र में 10 मंत्री और 20 से अधिक विधायक कोविड संक्रमित पाए गए हैं। यह जानकारी राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने जानकारी दी है। पवार ने कहा कि अगर राज्य में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती रही तो सरकार को और प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं। हमने विधानसभा सत्र को हाल में छोटा कर दिया। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में साल 2021 की आखिरी रात को बड़ी घटना हो गई। शुक्रवार देर रात को राजीव तिराहा पर गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों को कार सवारों ने रौंद दिया। घटना में एक दरोगा सहित 4 पुलिस कर्मी गंभीर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दरोगा की उपचार के दौरान मौत हो गई है। हरियाणा स्थित भिवानी में नए साल के पहले दिन बड़ा हादसा हो गया। यहां पहाड़ दरकने से आधा दर्जन वाहन सहित करीबन 5 से 10 लोगों के जमीन में दबने की आशंका है। बताया गया है कि तुरंत शुरू किए गए राहत और बचाव कार्य के दौरान 3 लोगों को निकाला गया, वहीं कई गाड़ियां भी जमीन में दब गई है। पंजाब में एक बेहद ही दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने आ गए। मामला कपूरथला और होशियारपुर में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास से जुड़ा है। पहले इसका शिलान्यास सीएम चन्नी करने वाले थे, लेकिन मोदी करेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।